देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2.27 मामले सामने आए। इसके अलावा 3,230 लोग रिकवर हुए। हालांकि इस दौरान 24 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। एक्टिव केस घटकर अब 19.67 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 427 सक्रिय मरीज कम हुए हैं। कोरोना वायरस से 24 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में 17 लोग केरल, 2 उत्तर प्रदेश और 2 दिल्ली हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र से एक एक व्यक्ति है। मंत्रालय ने बताया कि मृतकों का आंकड़ा 5,24,181 पहुँच गया है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोविड के कारण 1,47,850, केरल में 69.342, कर्नाटक में 26.105, तमिलनाडु में 38.25 और दिल्ली में 26.84, यूपी के 23.513 और पश्चिम बंगाल में 21.203 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 3,000 से कम मामले सामने आए हैं। इसके पहले 9 मई को 2.288 और 10 मई को 2.97 मामले सामने आए थे। देश में अब तक कोरोना के 4,31,13,413 मामले सामने आ चुके हैं।